अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ मैंगो चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इन अंबियों को छील दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह छील लेना, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, अंबियों को मैंने अच्छी तरह छील ली है। अब ग्रेटर की मदद से इनको मैं अच्छी तरह ग्रेट कर लूंगी। यहाँ पे देखें जी, अंबियों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इसका मैं नाप कर लूँगी। एक प्याली मैंने नाप के लिए ले ली है। ये जो मैंने अंबियों का नाप कर लिया, ये एक प्याली से थोड़ा सा कम है। ये इसको एक पैन में डाल दूँगी और यहाँ पे आधी प्याली से थोड़ी सी कम चीनी है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। अब इसके अंदर आधा टी स्पून के करीब मैं हल्दी डाल दूँगी और एक टी स्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करके और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, इन सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और अभी मैंने इसे चूल्हे पे नहीं रखा, 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कवर करके रख दूंगी ताकि ये जो आम है और ये जो चीनी है ये पानी छोड़े, और इसी पानी में मैं ये चटनी बनाऊँगी। इसको भी मैं कवर करके रखने लगी हूँ 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, इन सारी चीज़ों को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें, अच्छी तरह सारा आम ने और चीनी ने पानी छोड़ दिया। अब इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने चूल्हे पे रख लिया, आग मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है। हल्की आग पे ये अच्छी तरह ये जो अंबियाँ ये भी गल जाएंगी और इनका अच्छा सा फ्लेवर भी बाहर निकलेगा। तो अभी मैं इसको हल्की आग पे ऐसे पका रही हूँ, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए कुछ ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी, दो छोटे छोटे टुकड़े ये दालचीनी के, ये इसमें चले जाएंगे और 3 से 4 लौंगे के इसमें चले जाएंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आग मैंने बिल्कुल नीचे स्लो रखी हुई है। यहाँ पे आधा टीस्पून के करीब मैं रेड वाली मिर्च डाल दूंगी, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, आप तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, और इसे नाश्ते में, दोपहर के खाने के साथ एंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगती है और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब यहाँ पे इसमें 2 ड्रॉप के करीब मैं फूड कलर डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आग बिल्कुल मैंने नीचे स्लो रखी हुई है और हल्की आग पर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। यहाँ पे इस चटनी को मैं कवर करने लगी हूँ और 5 से 7 मिनट के बाद इसको मैं देखती हूँ। बिल्कुल हल्की आग पे मैंने रखा हुआ इसे। यहाँ पे देखें जी, आम की चटनी को मैंने कवर करके रखा हुआ था 10 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी चटनी बन गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बहुत ही टेस्टी हमारी आम की चटनी बनके तैयार हो गई। बहुत इजी और बहुत ही मज़े की ये बनती। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।